When you read further, you find that every house had a system to collect the rain water, as you can see in this picture. देखिए तो इस पिक्चर में आपको क्या पता चल रहा है देख करके. देखिए, बारिश का पानी छत पर जो इकट्ठा होता है उसको देखिए पाइप के थ्रू क्या किया जा रहा है, जमीन के अंदर बेटा एक गड्ढा बना दिया गया है और उसमें देखिए ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है. देन इट इज पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ अ पुली एज वी ड्रॉ वॉटर फ्रॉम अ वेल. ठीक है, देखिए तो यही पानी जो है बह करके इधर उधर चला जाता नदी नालों में, उसको इसने क्या किया बेटा, हार्वेस्ट कर लिया. ठीक है, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इसे कहते हैं. एंड आई टू हैव डन दिस इन माई होम. मैंने भी बेटा अपने घर में ये करके रखा है, क्योंकि गर्मियों में भाई मेरे यहाँ भी पानी की दिक्कत हो जाती थी. तो मैंने भी जब पढ़ा कहीं पर तो आई ऑल्सो डिड दिस कि भाई छत पे जो भी बारिश का पानी इकट्ठा होता था उसका जो पाइप था मैंने उसको एक्सटेंड करके इस तरह से बना दिया. और हाँ, इतने अच्छे से तो मैंने गड्ढा वड्ढा करके ऐसे सीमेंटेड नहीं बनाया है, मैंने जस्ट यहाँ पे बेटा एक पाइप जैसा बना दिया है. और यहां से मैंने अपने आप बेटा कुदाल लेकर के मिट्टी में और बेटा गड्ढा करके उसको चैनलाइज करके और यहाँ पर थोड़ा दूर जा करके एक थोड़ा बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है. और यहाँ पर तो बेटा मिट्टी बालू वाला होता है तो पानी जमा भी नहीं रहता है. विद इन 2 to 3 hours सारा पानी जो है वो जमीन के नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है. इनफैक्ट आई विल सेंड यू अ वीडियो जहां पर आप देख सकते हो कि पानी कैसे चैनलाइज होकर के गड्ढे में भर रहा है. और फिर मैं आपको एक दूसरा फोटो भेजूंगी जिसमें आप देखोगे कि सारा पानी जो है बेटा वो गायब हो चुका है. ठीक है, ओके. तो वो पानी गायब नहीं हुआ, मतलब वो कहाँ गया, वो बेटा परकोलेट करके रिस करके अंदर चला गया. तो इन दिस वे आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड हार्वेस्टिंग वॉटर इन माई ओन होम. इनफैक्ट यू ऑल कैन डू इट. ठीक है, ओके. देखिए, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू थिंक द रेन वॉटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक. तो दैट यू नाउ नो. ठीक है, ड्रॉ द पाथ. तो यू हैव टू ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेन वॉटर. कुछ नहीं, आप चाहे तो और अच्छे से, आप लोग तो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस तरह से रेन ड्रॉप्स भी बना दीजिए. और ये पाथ क्या होगा भाई, पानी का पाथ ये होगा. अब ये बाहर मत निकाल देना पाइप से, ठीक है, अंदर के तरफ ऐसे होते हुए ये इधर की ओर आएगा. आप जो है इसे किसी कलर पेंसिल से कलर करिएगा, ठीक है, रेड से या किसी और कलर से, जिससे बेटा अच्छे से दिख जाए कि पानी कहाँ से कहाँ आ रहा है. इनफैक्ट ब्लू ले लीजिएगा, ठीक है. जनरली हम लोग पानी को ब्लू या ब्लू ग्रीन टाइप के कलर से दिखाते हैं ना, तो आप उसी कलर का ले लीजिएगा और पाथ को शो कर दीजिएगा यहां से लेकर के यहां तक. ओके, चलिए. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन हियर दैट आई वांट टू डिस्कस. बेटा ये पूछा गया है कि व्हाई दिस टाइप ऑफ वेल्स आर नोन एज स्टेप वेल्स. इन्हें स्टेप वेल्स क्यों कहा जाता है. ऑब्वियसली बात है बेटा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं. यहाँ पर यहाँ की तरह बेटा पुली में रस्सी लगा करके बाल्टी से पानी नहीं खींचा जाता है. ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचने की बजाय खुद सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, पानी को भरते हैं और फिर ऊपर आते हैं. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दीज टाइप्स ऑफ वेल्स आर नोन एज स्टेप वेल्स. बेटा लॉन्ग अगो इन ओल्डन टाइम पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद द कैरवन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स. बच्चों पुराने जमाने में लोग जो है एनिमल्स का कारवा लेकर के चला करते थे. हम लोग इसे काफिला भी कहते हैं. आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे लोग जो है वो कुछ एनिमल्स के बैक पे गुड्स को लाद दिया करते हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह भाई चले जाया करते हैं. तो अब इतनी लॉन्ग जर्नी अगर करेंगे तो भाई रास्ते में पानी की भी जरूरत पड़ेगी. तो पीपल फेल्ट दैट इट वॉज अ वेरी ग्रेट वर्क, ठीक है, टू गिव वॉटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स. तो ऐसे दूर से चलने वाले यात्रियों को, भाई प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना लोग समझते थे कि ये एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है. तो इसीलिए उन्होंने बीच बीच रास्ते में बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स भी बनाए.
ना केवल स्टेपवेल्स बनाए बेटा, बल्कि पानी का और भी ढेर सारा इंतजाम किया। व्हेन यू ग्रो अप एंड यू स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री, यू विल कम टू नो कि कैसे रास्ते में मुसाफिरों यानी कि ट्रैवलर्स के ठहरने के लिए सराय बनाया जाता था। सराय मतलब कुछ नहीं, आज जो होटल है वही पहले उनके लिए विश्राम रेस्ट रूम रहता था। ठीक है, तो अगर कोई चल रहा है तो पहले तो बेटा उतना गाड़ी वगैरह नहीं था ना, लोग जो है पैदल या फिर एनिमल्स पर बैठ करके दूर दूर तक की यात्रा कई दिनों तक किया करते थे, तो उन्हें बीच रास्ते में भाई कई जगहों पर रुकना पड़ता था, है कि नहीं। तो इसीलिए बेटा रेस्ट रूम बने हुए थे, बीच बीच में उनके पीने की व्यवस्था की गई थी कई जगहों पर, है ना। चलिए, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। मैं एरिया को हटा देती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि कैन यू रिकॉल कि आपने कभी भी अपने लाइफ में शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस किया हो। इफ यस, ठीक है, देन आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस ओरली ओनली। ठीक है, आप अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दो कि आपने शॉर्टेज ऑफ वाटर कभी फेस किया है क्या, और उससे रिलेटेड आप जो भी बताना चाहते हैं कि कब ऐसा हुआ था। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। रीजन पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया, क्या इंतजाम किया, शॉर्टेज ऑफ वाटर था तो फिर क्या किया। ठीक है, इस तरह की बातें आप बता सकते हैं। तो क्या वो वाटर का शॉर्टेज आपको अभी भी फेस करना पड़ता है। वॉट एवर इज देयर, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टास्क आपको दिया ही है कि यू हैव टू टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली और इन योर लोकैलिटी, और आपको पता करना है कि जब वो आपकी उम्र के थे, आपकी तरह छोटे थे, ठीक है, तो उनके घर में पानी कहाँ से आता था, और क्या उस समय उनके घर में जैसे पानी आता था क्या सेम सिस्टम है अभी भी पानी के आने का, और इट हैज चेंज्ड। तो दादी अम्मा तो नहीं लेकिन चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताती हूँ, उसी में बहुत चेंज आया है। तो आप अगर मेरी दादी या मेरी मम्मी से, मेरे पापा से पूछते हैं या अपनी दादी वगैरह से पूछते हैं, तब तो आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंज सुनने के लिए मिले। ठीक है, तो बेटा व्हेन आई वाज वेरी यंग ऑफ योर एज, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, हाँ, आई यूज्ड टू लिव इन एंड वेरी इंटीरियर प्लेस, बहुत ही इंटीरियर एकदम अंदर का इलाका था, एंड देयर वी ऑफन हैड टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहां हमें अक्सर बेटा पानी का शॉर्टेज हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या किया करते थे, एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम आवर होम देर वर टू थ्री वेल्स। हमारे घर से काफी दूर जो है पैदल चल कर के जाना पड़ता था हमें, और वहां पे बेटा दो तीन वेल्स थे। ठीक है, और वहां पर जाकर के हम लोग जो है वी यूज टू कैरी आर क्लोथ्स, और द प्लेटफॉर्म दैट वॉज मेड अराउंड द वेल्स, कुएं के चारों ओर जो चबूतरा था वहां पर जाकर के अपने कपड़ों को हम लोग धो लिया करते थे, एंड फ्रॉम देयर वी यूज टू कैरी वाटर मेनी अ टाइम टू आर होम्स इन बकेट्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत छोटे थे तो वी यूज टू जस्ट कैरी द क्लोथ्स एंड माई फादर यूज टू कैरी बकेट्स। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। और हम लोगों ने फिर इससे परेशान होकर के फिर क्या किया कि थोड़ा सा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जो कि ज्यादा राहत नहीं दे सकता था। वो ये था कि वी गॉट अ वेरी बिग टंकी बिल्ट इन आवर होम, हमने अपने घर में बहुत बड़ा सा टंकी बना लिया। ठीक है, और उसमें वी यूज टू कलेक्ट वाटर, लेकिन कभी कभी भाई वो भी कम पड़ जाता था क्योंकि वहां पे पानी की बहुत दिक्कत थी। ठीक है, तब फिर हमें कुएं पर जाना पड़ता था। तो अब तो मुझे पता नहीं, वी हैव लेफ्ट दैट प्लेस, तो अभी क्या है वो तो मैं नहीं जानती। ठीक है, और इफ आई टॉक अबाउट माई विलेज, तो विलेज में भाई हमारे यहाँ पानी का सप्लाई नहीं था, वी जस्ट हैड दी हैंड पंप। हमारे पास बेटा चापाकल था और वो चापाकल चला करके ही हमें पानी बच्चे लेना पड़ता था। बट इन माई विलेज द सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ। व्हेन आई वॉज वेरी यंग देर वॉज नॉट इवन इलेक्ट्रिसिटी देर, बट नाउ देर इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड देर इज प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर ऑल्सो। ठीक है, और अगर कभी कभी वाटर सप्लाई सही से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वी हैव इंस्टॉल्ड आवर ओन वाटर पंप, तो हम लोग उसी से भाई पानी को पंप करके निकाल लिया करते हैं। सो इन विलेज देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो आप इसी तरह से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पहले के सिचुएशन में और अब के सिचुएशन में कोई चेंज आया है। अब देखिए, आपको एल्डरली पर्सन से बात करके ये भी पूछना है कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एग्जांपल पियाऊ, मशक और एनी अदर, एंड नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल। भाई पुराने जमाने में, ठीक है, एक तो आपको पता है कि रास्ते में बहुत जगह पर इंतजाम किया हुआ रहता था, और ट्रैवलर्स जो थे वो अपने साथ कभी कभी अगर पानी लेके चलते तो भाई अगर एक महीने तक का सफर है तो कितने दिन पानी टिकेगा। तो वो लोग क्या करते थे बेटा, प्याऊ होता था या लेदर का बना हुआ बैग होता था उनके पास, ठीक है, आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हो, लेदर का बना हुआ बैग होता था, उसी में वो क्या करते थे कि पानी घर से लेकर के चले। कुछ दिनों तक वो चला, फिर रास्ते में कहीं पर उनको साफ तालाब, झील, नदी कुछ भी मिल गया तो फिर बेटा दे यूज टू कलेक्ट वाटर इन दैट बैग और फिर आगे चला करते थे, ठीक है। और अब हम लोग क्या क्या करते हैं, अब तो भाई हमारे पास बहुत सारा अल्टरनेट अरेंजमेंट है, हम लोग भाई अपने वाटर बॉटल्स में लेके चलते हैं। दूसरी बात, वी डू नॉट नीड टू डू अरेंजमेंट फॉर सो मेनी डेज, क्योंकि आजकल भाई हमें इतना सफर करने में टाइम ही नहीं लगता है, हम लोग आराम से बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाया करते हैं, और हर जगह बेटा कहीं ना कहीं शॉप्स वगैरह मिल ही जाया करते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग अपना बड़ा बड़ा वाटर बॉटल लेके चले जाते हैं, इज़न्ट इट? ओके,